स्टूडेंट्स, हम डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स की बात करेंगे. हम सॉल्ट एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने यहाँ पे कलर्ड सॉल्ट्स को भी स्टडी किया और कुछ व्हाइट सॉल्ट्स भी स्टडी किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे बेसिक रेडिकल्स को हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं जिसमें हमारे पास फ्लेम टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. इसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखते हैं, हमें एक व्हाइट सॉल्ट प्रोवाइड कर दिया गया है. बजाहिर देखने से हम अगर इसको कलर देखें तो व्हाइट है. ठीक है, तो कलर्ड रेडिकल्स या कलर्ड जो कलर इम्पार्ट करते हैं वो सारे बेसिक रेडिकल्स एब्सेंट हैं. ठीक है, और चूंकि हम यहाँ पर बेसिक रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, हमने उसको सूंघ के भी देखा तो उसमें अमोनिकल स्मेल नहीं थी या अमोनिया लाइक स्मेल नहीं थी, तो हमें पता चल गया कि अमोनियम आइंस भी इसमें से एबसेंट है. तो हम अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में यहाँ मैंशन करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन या टेस्ट, और उसमें लिखा नोटेड द कलर ऑफ द सॉल्ट. ठीक है, हमें लिखा सॉल्ट वॉज व्हाइट. तो जितने भी बेसिक रेडिकल्स जो कलर पार्ट करते हैं वो सारे एब्सेंट थे. देन हमने ओडोर इसकी नोट की और सॉल्ट वॉज ओडोरलेस. तो हमने ये भी एज्यूम किया, हमने ये भी इन्फर किया कि अमोनियम आयन जो है वो भी एब्सेंट है. ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो ड्राई टेस्ट करना है फॉर बेसिक रेडिकल्स, और उसमें से एक हमारे पास आ जाता है फ्लेम टेस्ट. ठीक है, फ्लेम टेस्ट में हम क्या करेंगे, सॉल्ट लेंगे. ठीक है, और उसके अंदर एक हम स्पैचुला में सॉल्ट ले लेंगे, उसके अंदर दो तीन ड्रॉप्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालेंगे, एक पेस्ट सा बन जाएगा. ठीक है, वो जो पेस्ट होगा उसको फिर हम क्या करेंगे, उस स्पैचुला को हम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे बर्न कर लेंगे. ठीक है, और फ्लेम का कलर हम नोट करेंगे. ठीक है, कि फ्लेम कोई डिफरेंट कलर देता है कि नहीं देता. या फिर हम क्या करेंगे कि एक प्लेटिनम वायर ले लेंगे, उसको एक लूप बनाएंगे उसके एंड पे, और उसको इस पेस्ट में डिप करेंगे और उसको भी जो है वो बर्न करेंगे किसमें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में. तो हम नोट करेंगे कलर ऑफ द फ्लेम. चले इसको हम करके देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये लूप मौजूद है. ठीक है, प्लेटिनम वायर का ये लूप है. इसको हमने कैल्शियम जो हमारे पास सॉरी जो सॉल्ट है उसके अंदर हमने इसको जो है वो क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है. जो सॉल्ट है उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साथ जो पेस्ट बना हुआ है उसके अंदर हमने इसको डिप किया है, और अब इसको हम इस फ्लेम के ऊपर लेकर आएंगे. और हम ये देखते हैं कि देखिए इससे ब्रिक रेड कलर जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, ये जो ब्रिक रेड कलर आएगा अभी आप देखिएगा फिर से कि ये देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास इधर, ये देखिए ये ब्रिक रेड कलर है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास कलर है ब्रिक रेड कलर, ये क्या शो करता है, ये कैल्शियम आयंस को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है ना, कि हो सकता है जो सॉल्ट है उसमें हमारे पास कैल्शियम आयंस हो. ठीक है ना, तो जो फ्लेम टेस्ट है वो एक अच्छा टेस्ट होता है हमारे पास कि वो बेसिक रेडिकल्स को इंडिकेट करने के लिए. ड्राई टेस्ट में ही हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा रेडिकल हो सकता है. तो यहाँ पर कैल्शियम आयंस जो है वो इंडिकेट हुए हैं. तो हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में एक्सपेरिमेंट के आगे ऑब्जर्वेशन क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे हमने क्या देखा है, ब्रिक रेड फ्लेम देखी है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रिक रेड फ्लेम, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और हमने इन्फर किया कि कैल्शियम आयंस जो है वो इंडिकेट हुए हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है कोबाल्ट नाइट्रेट फिल्टर एश टेस्ट करेंगे. और ये यहाँ पर हम स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पर फ्लेम टेस्ट जो जिनमें पॉजिटिव आता है वो वाले बेसिक रेडिकल स्टडी कर रहे हैं. जिसमें कोबाल्ट नाइट्रेट फिल्टर एश टेस्ट पॉजिटिव आएगा हम उसमें जो है इस कोबाल्ट नाइट्रेट फिल्टर एश टेस्ट को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि इधर हम देखते हैं कि इसमें कैल्शियम आयंस के लिए हमारे पास कुछ नहीं आता, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो कैरेक्टरिस्टिक एश कलर. और हम यहाँ पर इन्फर कर लेंगे कि एल्यूमिनियम आयंस और इसके अलावा स्टेनस आयंस, जिंक एंड मैग्नीशियम आयंस जो है वो एब्सेंट है. ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या इंडिकेट हुआ है, कैल्शियम आयंस इंडिकेट हुए हैं, ये रहे कैल्शियम आयंस. ठीक है, अब कैल्शियम आयंस फ्लेम कलर के थ्रू इंडिकेट हुए थे, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसके लिए पूरा हमें ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी करने होंगे. तो हम क्या करेंगे, ग्रुप वन स्टार्ट लेंगे और ओरिजिनल सोल्यूशन में डायल्यूट एचसीएल डालेंगे. हमने देखा कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं आए तो ये वाले एब्सेंट है. ग्रुप टू के हमने अब फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप टू किस तरह से हम देखेंगे कि हम उसके उसी के उस सॉल्यूशन के अंदर हम H2S पास कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर प्रेसिपिटेट्स आएंगे तो स्टेनस होगा, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट्स क्योंकि हमारे पास नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी कैल्शियम इंडिकेट हो चुका है तो प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये भी एब्सेंट है. फिर हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाला, हीट किया, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाला, तो हमारे पास तब भी प्रेसिपिटेट्स नहीं आए. इसके अंदर हमने H2S पास किया तब भी प्रेसिपिटेट्स नहीं आए. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रुप 3 और ग्रुप 4 भी एब्सेंट है. फिर हम ग्रुप 5 पे आ जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे, 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, हीट करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर अमोनियम कार्बोनेट इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड डालने लगे हैं. ठीक है, ये हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है, अमोनियम क्लोराइड इसमें ऐड कर रहे हैं. ठीक है, ये हमने इसमें क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड डाल दिया. ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं
अब इसके अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने लगे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये हमने इसको अंदर डिसॉल्व कर दिया अमोनियम क्लोराइड ओरिजिनल सॉल्यूशन में, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं, ठीक है। ये हमने इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अभी तक हमारे पास, हम इसको शेक भी कर रहे हैं, इसमें प्रेसिपिटेट्स नहीं आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम अमोनियम कार्बोनेट डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर अब हम क्या डालने लगे हैं, अमोनियम कार्बोनेट डालने लगे हैं। ये हमने अमोनियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया और इसमें जैसे हमने अमोनियम कार्बोनेट डाला, देखिए इसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमारे पास आना शुरू हो गए। ये देखिए इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास जो है ग्रुप 5 जो है वो इंडिकेट कर रही है, ठीक है। ग्रुप 5 में हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, इनके आयन्स होते हैं एस बेसिक रेडिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 5 इंडिकेट हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको ऐसा करते हैं, कैल्शियम आयन्स जो हमारे पास इंडिकेट हुए हैं, किस तरह से इंडिकेट हुए हैं, बेसिकली हम ऑलरेडी फ्लेम टेस्ट कर चुके हैं और ग्रुप 5 हमारे पास इंडिकेट हो गया है। ये प्रैक्टिकल नोटबुक में हम अपने लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। ये जो हमने इसको डिस्कस किया और ये पूरी सीरीज यहाँ पर आ गई, हमने यहाँ पर ये वाला टेस्ट परफॉर्म किया है और इसका हम यहाँ पर रिजल्ट भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ हमने मेंशन कर दिया, इन्फर हमने कर लिया कि हमारे पास ग्रुप 5 जो है वो इंडिकेट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ग्रुप 5 इंडिकेट हुआ है और अभी हमने क्या किया था, हमने फ्लेम टेस्ट जो किया था उसके अंदर हमारे पास क्या इंडिकेट हुआ था, कैल्शियम आयन्स इंडिकेट हुए थे। तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली पता है कि हो सकता है कैल्शियम आयन्स हो। और ये जो फ्लेम टेस्ट है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक टेस्ट होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि ये हम इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट में भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम आयन्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और टेस्ट कर लेते हैं जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा कि कैल्शियम आयन्स ही प्रेजेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन में अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे, तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस मौजूद हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन है और ये हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट है। जब हम अमोनियम कार्बोनेट को इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में डालेंगे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए। ये हमने इसके अंदर डाला तो हमारे पास यहाँ पर देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ रहे हैं। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हमारे पास क्या कंफर्म कर रहे होते हैं, ये कंफर्म करते हैं कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस को, जो कि हमने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में मेंशन कर दिया, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट्स और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस को कंफर्म कर रहे हैं। तो जो हमें व्हाइट सॉल्ट प्रोवाइड किया गया था उसमें हमारे पास क्या इंडिकेट हुआ है, हमारे पास इंडिकेट हुए हैं कैल्शियम आयंस, ठीक है। अब हम एक और सॉल्ट को कंसिडर कर लेते हैं, हमें एक और सॉल्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, ये भी व्हाइट कलर का है, ठीक है। इसको हमने देखा तो कलर व्हाइट है, तो जो जो बेसिक रेडिकल्स कलर इम्पार्ट करते हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें ये ओडोरलेस है, ठीक है। कोई ऐसा रेडिकल इसमें मौजूद नहीं है जो कि कोई ऐसा बेसिक रेडिकल मौजूद है जो कि इसमें स्मेल जिसकी वजह से या ओडोर इसकी वजह से आए, तो अमोनियम आयन्स भी एब्सेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फ्लेम टेस्ट करेंगे। फ्लेम टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेम टेस्ट देख लेते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन के साथ, सॉरी जो सॉल्ट था उसके उसका जो हमने कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पेस्ट बनाया था, उसको हमने इस लूप पे हमने क्या किया कि जो प्लेटिनम वायर का लूप है इसके ऊपर अटैच किया, ठीक है। उसको टच किया और इसके ऊपर अटैच हो गया और अब इसको हम फ्लेम के ऊपर जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कोई कलर इम्पार्ट होता है फ्लेम में, कोई कलर आता है कि नहीं आता। यहाँ हम इसके ऊपर लेकर आए तो देखिए इसमें ग्रीनिश सा, एप्पल ग्रीन सा या येलोइश ग्रीन सा इसके ऊपर कलर आ रहा है, फ्लेम कलर आ रहा है ना। तो ये जो येलोइश ग्रीन सा या एप्पल ग्रीन सा जो कलर है, ये कलर जो है वो इंडिकेट करता है बेरियम आयंस की प्रेजेंस को, ठीक है। तो देखिए फ्लेम कलर से बहुत अच्छे तरीके से हमें अंदाजा हो रहा है, देखिए ये ग्रीनिश एप्पल ग्रीन सा कलर, ये येलोइश ग्रीन सा जो कलर है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बेरियम आयंस की प्रेजेंस को। तो हो सकता है बेसिक रेडिकल्स में से बेरियम आयंस हमारे पास मौजूद हो। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम बेरियम आयंस के लिए हम ग्रुप टेस्ट करेंगे। ग्रुप टेस्ट में हम देखते हैं बेरियम आयंस हमारे पास ग्रुप 5 में मौजूद है, ये हमारे पास बेरियम आयंस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे करेंगे, हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी करेंगे और पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जब ओरिजिनल सॉल्यूशन में, जैसे हम पहले कैल्शियम के लिए भी देखा था, तो कैल्शियम वाला बिल्कुल हिसाब होगा कि जब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, हीट करेंगे और उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस पे डालेंगे, हमारे पास प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे। लेकिन जब हम उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएंगे और वो इंडिकेट करेंगे किसको, बेरियम आयंस की प्रेजेंस को, ठीक है। तो सॉरी, वो ग्रुप 5 को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो बेरियम आयंस की प्रेजेंस को किसने इंडिकेट किया, फ्लेम टेस्ट ने इंडिकेट किया, जिसमें हमारे पास एप्पल ग्रीन या येलो ग्रीन कलर की फ्लेम आई है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, अच्छा पहले तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स है, इनको पहले मेंशन करते हैं अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में। यहाँ हम क्या लिखेंगे, येलो ग्रीन फ्लेम,
ये हमने यहाँ मेंशन कर दिया और उसके बाद हमने इन्फर किया कि बेरियम आयंस जो है वो इंडिकेट हुए। नेक्स्ट हमने क्या किया है, हमने फिल्टर ऐश टेस्ट जो है वो भी परफॉर्म करके देख लेंगे, लेकिन क्योंकि बेरियम आयंस हमारे पास क्लियरली इंडिकेट हो गए हैं थ्रू येलोइश ग्रीन फ्लेम टेस्ट फ्लेम कलर, तो हमें यहाँ पर अगर हम फिल्टर ऐश टेस्ट नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके, लेकिन हमने यहाँ पर मेंशन जरूर करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में इसको मेंशन करेंगे और हम लिखेंगे नो कैरेक्टरिस्टिक ऐश कलर जो है वो हमारे पास आएगा। ठीक है, फिर हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में पूरी स्कीम यहाँ से देखें, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की हम स्कीम यहाँ पर मेंशन करेंगे, हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl और ये सारा कुछ हम पूरी प्रॉपर स्कीम, ग्रुप वन एबसेंट है, ग्रुप टू एबसेंट है, ग्रुप थ्री एबसेंट है, ठीक है, ये सारी इनकी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस लिखनी है। ठीक है, और ग्रुप फोर भी एबसेंट है। फिर हमने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डाला, हीट किया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डाला और अमोनियम कार्बोनेट इसमें ऐड किया, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए थे जिस तरह से हमने कैल्शियम के केस में देखा था। तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो आए उनको वो क्या इंडिकेट करते हैं, ग्रुप फाइव जो है वो इंडिकेट करते हैं, लेकिन हमने इसके बाद ये देखा था कि जब फ्लेम टेस्ट हमने किया था तो हमारे पास येलोइश ग्रीन फ्लेम कलर आया था जो कि बेरियम आयंस को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, एक और टेस्ट कर लेते हैं, ओरिजिनल सोल्यूशन में डायल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आने चाहिए ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये भी इंडिकेट करेंगे बेरियम आयंस की प्रेजेंस को। चले ये भी हम कंफर्म करने के लिए ये वाला टेस्ट भी परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है जो हमें लग रहा है कि ये बेरियम आयंस का सॉल्यूशन है और यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो हम ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमने यहाँ से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया इसके अंदर डाला तो हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ बेरियम सल्फेट जो है वो उनकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है ऑफ बेरियम सल्फेट, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ बेरियम आयंस को आयंस की। ठीक है, कि हमारे पास जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था जिस सॉल्ट का था उसके अंदर क्या मौजूद थे, बेरियम आयंस मौजूद थे। ठीक है, और ये हमने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, तो हमें हमारे पास यहाँ सॉल्ट में क्या इंडिकेट हुए हैं, बेरियम आयंस इंडिकेट हुए जो हमें व्हाइट सॉल्ट प्रोवाइड किया गया था। अब यहाँ पर हम एक और केस लेंगे और इसमें हमारे पास ये व्हाइट सॉल्ट मौजूद है। ठीक है, एक और व्हाइट सॉल्ट प्रोवाइड किया गया है, इस व्हाइट सॉल्ट को हम देख रहे हैं कि इसके अंदर डेफिनेटली जो कलर इम्पार्ट करने वाले बेसिक रेडिकल्स हैं वो भी एबसेंट हैं, ना इसमें अमोनिकल स्मेल है, अमोनिया लाइक स्मेल भी नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्ट ओडोरलेस था, तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज एंड कोबाल्ट आइंस जो है वो एबसेंट है। इसके अलावा हम ओडोर भी नहीं थी तो हमने कहा अमोनियम आइंस भी एबसेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ फ्लेम टेस्ट करेंगे इसका, चलिए फ्लेम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। फ्लेम टेस्ट के लिए हमने सॉल्ट का पेस्ट बनाया है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और अब उसको हम जो है वो प्लेटिनम वायर पे अटैच करके यहाँ फ्लेम पे लेकर आए, तो हमारे पास देखें कलर्स आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम पे कलर आ रहा है और ये कैसा कलर है, ये क्रिमजन रेड कलर है या फिर हम कहते हैं ये कौन सा कलर है, ये हमारे पास जो है पिंकिश सा टोन भी इसके अंदर आ रहा है हल्का सा। ठीक है, हल्का सा देखिए, पिंकिश सा टोन, रेडिश सा टोन इसके अंदर आ रहा है, तो पिंकिश टोन भी नजर आएगा, पिंकिश रेड, स्कारलेट रेड या हम क्रिम्सन रेड इसको कलर कहते हैं। ठीक है, और ये कलर जो है वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्शियम आयंस की प्रेजेंस को। ठीक है, ये रेडिश सा कलर होता है, इसमें पिंकिश सा भी टोन आ रहा होता है और ये स्ट्रॉन्शियम आयंस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिख देते हैं कि ऑब्जर्वेशन, फ्लेम टेस्ट की ऑब्जर्वेशन में हमने देखे क्रिमजन क्रिमजन रेड या पिंकिश रेड सा फ्लेम कलर। ठीक है, और हमने इन्फर किया स्ट्रॉन्शियम आयंस इंडिकेट हुए हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जो फ्लेम टेस्ट होता है ये एक स्ट्राइकिंग टेस्ट होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, इसको हम लेटर ऑन एज कंफर्मेटरी टेस्ट भी लेते हैं क्योंकि इससे हमें स्ट्राइकिंग एक ड्रास्टिक एक कलर नजर आता है, एक स्ट्राइकिंग कलर नजर आते हैं जिससे हमारे पास बेसिक रेडिकल की इंडिकेशन हो जाती है। तो हम यहाँ और हम देखते हैं फिल्टर ऐश टेस्ट में हमारे पास कोई कैरेक्टरिस्टिक ऐश कलर नहीं आएगा जिससे हमें इन्फ्रेंस में हम लिखेंगे कि स्टेनस, एल्युमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम आयंस जो है वो एबसेंट हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारे पास क्या इंडिकेट हुआ है, स्ट्रॉन्शियम आयंस इंडिकेट हुए जो कि ग्रुप फाइव में लाए करते हैं। ग्रुप फाइव का ग्रुप आइडेंटिफिकेशन टेस्ट तो हम परफॉर्म कर ही चुके हैं जिसमें हमने क्या किया था, हमने कैल्शियम के केस में हमने देखा था कि ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाला था, उसके बाद हमने अच्छी तरह शेक कर या हीट कर लिया और उसको डिसॉल्व कर लिया, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला एक्सेस में। ठीक है, हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं है लेकिन जब इसके अंदर हमने अमोनियम कार्बोनेट डाला तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बने थे। ठीक है, जैसे ग्रुप फाइव इंडिकेट हुआ था तो यहाँ पर भी इस तरह हमारे पास ग्रुप फाइव इंडिकेट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम किस तरह से इंडिकेट हुआ, स्ट्रॉन्शियम इस तरह से इंडिकेट हुआ कि हमने यहाँ पर फ्लेम टेस्ट किया तो उसमें स्ट्रॉन्शियम इंडिकेट हुआ। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अच्छा यहाँ पर प्रैक्टिकल नोटबुक में अपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, ये सारा हम यहाँ पर मैंशन करेंगे और यहाँ पे
यहाँ पर हम ग्रुप फाइव का जो जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए थे, ठीक है ना, और हमने लिखा ग्रुप फाइव जो है वो इंडिकेट हुआ है. कंफर्म करेंगे स्ट्रॉन्शियम के आइंस को, एक तो ये कि हम फ्लेम टेस्ट करेंगे, ठीक है, फ्लेम टेस्ट हमने कंफर्म तो कर चुके हैं, ठीक है, उस क्योंकि हमने कहा एक स्ट्राइकिंग टेस्ट होता है. सेकेंडली हम क्या करेंगे, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को के साथ ओरिजिनल सोल्यूशन डालेंगे, तो हमें स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आएंगे जो कि कंफर्म करेंगे स्ट्रॉन्शियम आइंस की प्रेजेंस को. चलो ये भी हम देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन मौजूद है और ये हमारे पास जो है स्ट्रॉन्शियम सॉरी ये हमारे पास जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है. जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने जो है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाला, तो हमारे पास यहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हुई, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट्स जो है वो क्या इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे स्ट्रॉन्शियम आइंस की प्रेजेंस को, ठीक है, बल्कि कन्फर्म करेंगे स्ट्रॉन्शियम आइंस की प्रेजेंस को, बिकॉज ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए दीज व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आर किसके, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट के. और ये भी हमने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में कंफर्मेटरी टेस्ट्स जो है वो मेंशन कर दिए, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर हमने कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम जो ग्रुप फाइव के हमारे पास बेसिक रेडिकल्स आ जाते हैं, इनको हमने स्टडी किया. इनको हमने देखा प्रैक्टिकल्स कौन से करने, कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन से परफॉर्म करने हैं, एक फ्लेम टेस्ट, और हमने देखा कि फ्लेम टेस्ट से किस तरह फौरन से हमें अंदाजा हो जाता है कि कौन सा बेसिक रेडिकल इसमें मौजूद है.